लॉकडाउन की वजह से जिला पुंछ के गांव गुलपुर के कुनी दरा डीडीआर रोड का काम बंद हो गया था। आज वहां के लोगों ने डीडीसी पुंछ राहुल यादव से यह मांग की है कि इस रोड का काम जो बीच में रुक गया है उसे शुरू किया जाए। उनका कहना है कि इस वजह से उन्हें आने जाने में परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। पीएनआई के लिए सनी शर्मा की रिपोर्ट। अभी हमारे यहाँ एक ठेकेदार साहब रिकी शर्मा जो थे वो काम कर रहे थे तीन चार चार पाँच महीने पहले। मैं उनके साथ खुद भी यहाँ कितनी बार आके खड़ा हुआ और ये एक उन्होंने नी खोदी डंगे के लिए। नी खोद के मैं उनके साथ कितनी बार मैंने बोला ठेकेदार साहब ये काम शुरू करो, ये लोगों का अगर ये डंगा नहीं बनेगा तो रास्ता इनका जो है कॉन्टैक्ट खत्म है आगे के गाँव से। बोलने का कोई बात नहीं, मैं लगाता हूँ। लॉकडाउन से दो महीने पहले उसने नी खोद के पड़ी रही। अब नी खोदने से एक गरीब इंसान सा जिम्मेदार सा उसकी ज़मीन भी ख़त्म हो गई, डंगा में नहीं लगाया। और मेरी पंचायत तकरीबन गुलपुर पंचायत आधी जो है इस रास्ते से मुंसलिक है, तो उसने डंगा ना लगाने से अभी आप इसकी हालत देखो कि लोग पैदल चलने से भी यहाँ जो है कासिर हैं, पैदल नहीं चल सकते हैं। तो मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है ये अपना उस ठेकेदार विकी शर्मा को बोले कि वो फिल फोर आके डंगा लगाए ताकि हमारे लोगों का ये रास्ता बहाल हो सके कम से कम। और डिपार्टमेंट डी साहब से ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप डिपार्टमेंट से पूछे पीडब्ल्यूडी से कि जेई ने आके फीता मार के ठेकेदार का बिल पास हो गया कत्ती मार इससे पहले, जबकि आप यहाँ के आप कैमरा मार के यहाँ देखें कि पैदल चलने का रास्ता नहीं है, लोगों की भैंसें गिर गई। कल एक बंदे की भैंस गिर के यहाँ मर गई, उसका नुकसान हो गया गरीब आदमी का। और ये देखो कि यहाँ पैदल चलने का रास्ता नहीं है तो रोड किस तरह से बन गई जी। मैं डीसी साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको यहाँ बुलाया जाए और ये डंगा फिल फोर बनाया जाए ताकि ये जिम्मेदार जो गरीब इंसान है जिसकी ज़मीन भी पड़ी है ऐसे ही वो भी बहाल करे और अपना रास्ता लोगों का बहाल हो जाए। मोहम्मद शबीर जी क्या कहें, हम ये कहेंगे कि हमारी ज़मीन आगे इस वक्त तकरीबन 2500 कनाल जगह हमारी ऐसी पड़ी है, वीरान पड़ी है। किस वजह से? पानी की वजह से। ये नहर है, नहर ना हमारी नहर किसी काम की है ना ये रोड। हम बोल रहे हैं यार हमको पानी भी दिया जाए, नहर ये दिया जाए, सड़क भी दी जाए, ठीक है। हमको लोग ये आपस में झगड़ा रहे हैं, ये लोग क्यों महकमे वाले झगड़ा रहे हैं, हमको पीडब्ल्यूडी झगड़ा रहा है, ये दूसरा ये अपने इरीगेशन वाले भी कोई आता है। देखो अपनी अपना जितना भी रिकॉर्ड लेकर आओ, रिकॉर्ड में देखो क्या है क्या नहीं। जाकिर खान है, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्तन फक्तन हमारे जो मामलात हैं आप उनको हाईलाइट करते हैं। यहाँ पर सर ये जो मसला है सबसे इम्पोर्टेंट जो मसला वो ये है कि क्योंकि आप बाहू भी जानते हैं कि हम लोग एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं और इस वक्त जो हमारा वो जो पनीरी बहाने का टाइम जो है बिल्कुल अनकरीब है। एक तो पहले लॉकडाउन की वजह से हम परेशान हैं, दूसरा अगर ये क्योंकि बेसिकली ये एक नहर है और इससे तकरीबन आगे 10,000 कनाल रकबा आपको हम दिखाएंगे, 10,000 कनाल रकबा है जिसपे हम मुंजी लगाते हैं। दूसरा ठेकेदार ने आज से 5 महीने पहले ये जो नीचे वाला एरिया था उस दिन मैं यहीं खड़ा था तो उसने कहा जी हम यहाँ पर एक ब्रेस्ट वॉल लगाएंगे और जो रोड है हम उसको चौड़ी करेंगे और इस नहर को भी हम, क्योंकि हमें दोनों चीज की जरूरत है, नहर भी जरूरत है और हमें रोड भी जरूरत है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से मोहतरम जनाब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं डीएम साहब हैं उनसे गुजारिश है कि सर प्लीज आप इस मसले को टेकअप करें और हमारा ये जो आगे वाला डंगा है आप ठेकेदार को फिल फॉर कहें कि इस डंगे को वो कंप्लीट करे ताकि हमारा रोड का मसला भी हल हो जाए और साथ में ये जो नहर का मसला, क्योंकि नहर भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए, हम एग्रीकल्चर से हैं क्योंकि हम कुछ लगाएंगे कुछ हमारे बच्चे खाएंगे, वरना गवर्नमेंट हमें कब तक देगी।
क्योंकि आप खूब ही जानते हैं कि इस वक्त हालात जो है वो हमारे मुल्क के या वर्ल्ड के क्या कह रहे हैं। तो लिहाजा मैं एक बार फिर डी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप उस ठेकेदार को या आप जो हमारे कंसर्न ये हैं पीडब्ल्यूडी के जो ऑफिसर हैं आप उनसे टेकअप इस मसले को करें। और यहां पर कोई ज्यादा मसला नहीं है, 5-10 लाख रुपए का मसला है। डी साहब चाहें तो क्या नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, उनके पास बहुत सारे फंड्स हैं। डी साहब चाहें तो एक दिन में ये पूरा मसला हल कर सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनाब डी साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि सर प्लीज आप इस मसले को टेकअप करें, क्योंकि यहाँ से सिटी 1 किलोमीटर दूर है। आज देखिए पीर पंजाल इलाका, आप मेंढर में चले जाएं, आप फैसलाबाद चले जाएं, ऐसे ऐसे इलाके हैं कि जहां पर यानी परिंदा नहीं जा सकता, वहां पर गवर्नमेंट ने रोड बचाई है। ये तो बिल्कुल सराउंडिंग एरिया है, यहां से एक सिटी 1 किलोमीटर दूर है। बड़े दुख की बात है कि गवर्नमेंट इस मसले पे शायद हमें नजरअंदाज कर दी। मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ फिर एक बार आपका शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि आप हमारे वक्तन फक्तन जो मसाइल है आप उनको हाईलाइट करते हैं।